स्टूडेंट्स, आज अपनी डिस्कशन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन के ऊपर होएगी। देखो, जो अल्फर्ड वेबर की थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की, ठीक है, ये थ्योरी इस चीज़ के ऊपर तुहानू डिस्कशन करने की कोशिश करेगी कि कोई भी इंडस्ट्री की एक पर्टिकुलर लोकेशन जिहड़ी हुंदी है उहदे लई किहड़े फैक्टर रिस्पोंसिबल होंगे ने। ठीक है, जो वेबर है इसने थ्योरी जदों डिवेलप की तो उस तो पहला देखा कि कुछ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव कर रही सी, किसी खास जगह पर जा रही सीगिया, ठीक, मैसिव मूवमेंट हो रही सी। ठीक, फिर वेबर ने यह एनालाइज करने की कोशिश की, यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि ये इंडस्ट्री एक लोकेशन तो दूसरी लोकेशन पे क्यों जा रही है, और दूसरा उसने ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि इसके पीछे वो केड़े फैक्टर्स ने जेड़े कि ये मूवमेंट नू डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी कि केड़े वो फैक्टर्स ने जिन्ना करके ये मूवमेंट्स हो रही हैं। उस तो बाद इदी एक आपा इंट्रोडक्शन करिए इस थ्यूरी की, तो अल्फर्ड वेबर की यह थ्यूरी है, अल्फर्ड वेबर की इंडस्ट्रियल, ठीक है, थ्यूरी ऑफ लोकेशन। और जी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्यूरी है ये एक जनरल थ्यूरी है, अल्फर्ड वेबर की थ्यूरी जनरल थ्यूरी है। जनरल वर्ड इस करके यूज किया गया है क्योंकि तुसी इस थ्यूरी नू ऑल इंडस्ट्रीज से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुड बी अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रीज एट ऑल टाइम, दैट्स वाई एक जनरल थ्यूरी है, दैट्स वाई इसनू प्योर थ्यूरी भी कहते हैं। जिहड़ी थ्यूरी है अल्फर्ड वेबर की, ये लीस्ट कॉस्ट प्रिंसीपल पर बेस्ड है। लीस्ट कॉस्ट प्रिंसीपल का मतलब होंदा है कि जिस जगह पर जिहड़ी कॉस्ट है वो मिनिमम होएगी, इंडस्ट्री उत्थे लोकेट होएगी। इंडस्ट्रीज विल बी सो लोकेटेड टू कीप द कॉस्ट टू द मिनिमम, यानी कि जो इंडस्ट्री की कॉस्ट है जिस जगह पर मिनिमम होएगी उत्थे वो प्लेस होएगी। वेबर ट्राई टू आइडेंटिफाई, वेबर ने की कोशिश की है कि जेडे एलीमेंट्स ने जेडे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन नू इन्फ्लुएंस करते हैं उन्होंने उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, और अपना जो कॉस्ट एनालिसिस है वो थ्रू दसन की कोशिश करेगा। सो जेडी इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसनू जेडे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं असी टू कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड करांगे। ठीक है जी, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स होंगे ने, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है जी, और ये सारी डिस्कशन दे विचों आपां ये फाइंड आउट किया कि वेबर जो थ्यूरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की वो एक जनरल थ्यूरी है जो कि ये स्टडी करने की कोशिश करेगी कि कोई भी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इस्टैबलिश होंगी है वो की वजह होंगी है। तो नैचुरली उन्हें एक हिंट दिता है कि इंडस्ट्री कोशिश करती है उस जगह पे प्रोडक्शन करन दी जिस जगह पे जिहड़ी कॉस्ट हुंदी है वह मिनिमम होवे। ठीक है जी, जिहड़ी थ्यूरी है वेबर दी थ्यूरी इसनों असी जिस सीक्वेंस तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, तो सब तो पहला मैं सुनूं जिहड़ी इंडस्ट्रियल लोकेशन है उन्हों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे, ठीक है, दी तरफ तो समझाऊंगा इंडस्ट्रियल लोकेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, यानी कि इतने वेबर एक लोकेशनल ट्रेंगल का इस्तेमाल करेगा और दिखाएगा कि किस जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसाइड करने बारे दसेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस जगह पर मिनिमम होएगी उसनू वो प्रोडक्शन यूनिट डिक्लेयर करेगा, यानी कि वह कहेगा कि उस जगह पर इंडस्ट्रियल लोकेशन होनी चाहिए। और इस वास्ते एक प्रोफेसर है लॉन्डार्ट, ठीक है जी, क्लियर ना, उसकी लोकेशन ट्रायंगल यूज करेगा वेबर। ठीक है जी, और एक टॉपिक होर असी इहदे विच इंट्रोड्यूस करांगे, दैट इज मटीरियल इंडेक्स। उस तो बाद जो सुनो असी लोकेशन ट्रायंगल बारे समझा देंगे, तो उस तो बाद असी ये दसन की कोशिश करांगे कि अगर लेबर की कॉस्ट, यानी कि असी फिर लेबर नूं इनकलूड करांगे तो लेबर की कॉस्ट का कंपेरिजन करांगे कि लेबर की कॉस्ट की वजह करके कि इंडस्ट्रियल लोकेशन पर कोई अफेक्ट आना, और उन्होंने असी आइसोडिपेंस की हेल्प नाल
एक्सप्लेन करने की कोशिश करांगे और लास्ट में जाके एग्लोमरेटिव और डेग्लोमरेटिव जिहड़े फैक्टर्स होंगे उन्होंने बारे डिस्कशन होएगी। तो यह थ्यूरी थोड़ी इन दिस वे प्रोग्रेस करेगी। इस सीक्वेंस मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी कि सब तो पहला मैं इसमें लोकेशनल ट्रैंगल बारे पढ़ाऊंगा। लोकेशनल ट्रैंगल मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की गल करूंगा। उस तो बाद मैं ये दसन की कोशिश करूंगा कि लेबर कॉस्ट है उसके विच कोई चेंज आने दे नाल जिहड़ी इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसके उपर की इंपैक्ट आता है। ठीक है, यानी कि चेंजेस इन लेबर कॉस्ट का इंडस्ट्रियल लोकेशन के उपर की इंपैक्ट आऊगा। ठीक, वो आप डिस्कस करांगे। एंड फाइनली आप पुश ते पुल फैक्टर्स, पुश फैक्टर्स होंगे ने एक पुल फैक्टर्स होंगे है। ठीक है, उन्होंने डिस्कशन करांगे एग्लोमरेटिव ते डैग्लोमरेटिव दे सैक्शन दे विच। ठीक है जी, क्लीयर ना? लो जी, हुण आप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि लोकेशनल ट्रैंगल लई बहुत बड़ी जरूरी है उसके बारे डिस्कस करिए। स्टूडेंट जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगी है ना दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो तुसी कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, और दूसरी चीज़ कि कितना वेट ट्रांसफर करना है, कितना वेट ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, मान लो डिस्टेंस होगी 100 किलोमीटर की, वह तो डिस्टेंस आ गई डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक, उस तो बाद वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड का मतलब होंगे भी तुसी कितना वेट ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, 1 टन करना है, 2 टन करना है, या 10 टन करना है, कितना वेट ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नूं ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो इन्फ्लुएंस करनियां, प्रभावित करनियां। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिहड़ा मटीरियल होंगे ना उहदे लई होर असी इंपॉर्टेंट ठीक है डिस्कशन करांगे। सो ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ने विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्हों समझना भी बड़ा जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को समझने वास्ते। इतने जिहड़ी थोड़ी लोकेशनल फिगर होगी ना वो इन्हों के उपर डिपेंड करती है, क्योंकि जिहड़ा मटीरियल होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के। मैं वो मटीरियल की डिस्कशन करना, ये सब तो पहला जी असं डिस्कशन कर लगे वो टाइप ऑफ मटीरियल डिपोजिट। मटीरियल डिपोजिट के बेसिस से दो तरह का मटीरियल होंगे, एक यूबिकिटस ठीक और एक लोकलाइज मटीरियल। यूबिकिटस जिहड़ा तुहाडा रॉ मटीरियल होंगे ये हर जगह पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, यानी कि यूबिकिटस जिहड़ा रॉ मटीरियल होगा वह हर जगह पर अवेलेबल होगा, लोकलाइज मटीरियल जिहड़ा होगा वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्लेस से ही अवेलेबल होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस से हर जगह पर अवेलेबल नहीं होगा। जेड़ा मटेरियल हर जगह पर अवेलेबल नहीं है उन्हों आपा लोकलाइज्ड मटेरियल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मटेरियल डिपॉजिट के हिसाब नाल दो टू वेज असी मटेरियल नूं क्लासीफाई किया, यूबिकिटस ठीक है जी क्लीयर, और लोकलाइज्ड। यूबिकिटस जो हर जगह पर अवेलेबल है, हर जगह पर ईजली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी, जिवें मान लो सपोज तुसी जी की तैयार करते हो, आइसक्रीम तैयार करते हो, मान लो आइसक्रीम लिए सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मिल्क चाहिए है, तो मिल्क आम तौर पर हर जगह पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी क्लीयर, और लोकलाइज मान लो सपोज उसनू क्या चाहिए है, मान लो सपोज उसनू आयरन ओर चाहिए है। ठीक है, कच्ची धात, लोहे की कच्ची धात चाहिए है, वह तो हर जगह पर अवेलेबल नहीं हैगी जी, वह तो जिथे थोड़िया माइनस है ने आयरन ओर दियाँ उतों ही मिलेगी, हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, वह फिर लोकलाइज मटीरियल हो गया जिहड़ा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस से मिलता है। ठीक है, तो मटीरियल डिपोजिट के बेसिस से यह दो तरह के मटीरियल हो गए। उस तो बाद असी गल करनी है नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टू प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी है वो बेसिस से। देखो एक होंगे ने प्योर, ठीक है, ये होंगे ने नॉन वेट लॉसिंग। ठीक है जी, नॉन वेट लॉसिंग का मतलब होंगे कि यह वेट नहीं, यह रॉ मटीरियल अपना वेट नहीं लॉस करता, फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट एंटर कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल वूल। ठीक है जी क्लीयर, हुण मान लो सपोज स्टूडेंट्स वूल यूज की स्वेटर बनाने वास्ते, तो जी वूल यूज की जिनी जिनी क्वांटिटी वूल यूज करोगे स्वेटर च उवें चली जाऊगी वह। ठीक है जी क्लीयर, ओके, वह होंगे ने प्योर या नॉन वेट लॉसिंग मटीरियल। ठीक है जी, उस तो बाद यानी कि यह रॉ मटीरियल जो प्योर होगा वह अपना टोटल वेट प्रोडक्ट नूं दे दूगा। ठीक है, जे मान लो सपोज तुसी मैं स्वेटर की गल की, ठीक है, वूलन क्लोस की गल की, वूलन क्लोस वूल तो बनते हैं, तो जे एक मान लो सपोज थोड़े को स्वेटर है और उदा वेट 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम वूल लगी होगी।
ठीक है जी, क्लियर ना? ओके, सो ग्रॉस ए वेट लॉसिंग होंगे आ, मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता ना, जेडे रॉ मटीरियल तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो रॉ मटीरियल दे विचों कुछ हिस्सा ही फाइनल प्रोडक्ट लिए बन जाता है, बाकी रॉ मटीरियल जिहड़ा हुंदा उह वेस्ट हो जाता या कंज्यूम हो जाता है। क्लीयर? एग्जाम्पल के तौर पर जिवें तुहाडे कोले 2 किलो दुध है, ठीक है जी, क्लीयर ना, तुसीं उह तों पनीर बनाउणा है, तो 2 किलो दुध तो जो तुम पनीर बनाओगे तो आफ्टर प्रोसैसिंग पनीर 2 किलो नहीं बनूगा, थोड़ा घट जूगा, ठीक है जी, क्लीयर ना, वह वेट लॉस करेगा, उन्होंने ग्रॉस कहते हैं जी, ठीक है जी। सो ये वेट लॉसिंग थोड़े हो गए, ये नॉन वेट लॉसिंग हो गई, इन दिस वे भी तुम इन्हों ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासीफिकेशन हैगी, ठीक है, इन्होंने उपर डिस्कशन जो भी आपे करा, ठीक। तो लो जी हुण तुहानू लोकेशनल ट्रैंगल बारे मैं समझाऊंगा, मेरा सब तो इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो लोकेशनल ट्रैंगल है। जिहड़ी ये लोकेशन ट्रैंगल है ये तुहाडी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, तो यदि आप बोर्ड के उपर डिस्कशन करांगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स अपना हम जिहड़ा डिस्कशन सीगा लोकेशन ट्रेंगल के उपर वो आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह एक तुसी ट्रेंगल ड्रॉ करनी हैगी है, ठीक है, ट्रेंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस वे, ठीक है जी, क्लीयर, इन दिस वे। उस तो बाद तीनों कॉर्नर से, ठीक है जी, क्लीयर ना, तो तुसी इत्थे एक सेंटर च पी पॉइंट ले लो, फिर ज्वाइन कर दो कॉर्नर के नाल, इन दिस वे जिवें थोड़े कोल बन रहा है, ठीक है। सो इतें असं जो पी है प्रोडक्शन सेंटर लै रहे, इतने प्रोडक्शन होएगी, ठीक है फ्रेंड्स, पी प्रोडक्शन सेंटर है तुहाडा, ठीक। जिहड़ा ये एम वन है, इस पॉइंट असं एम वन लिया हुआ, लिखा इतने हुआ है एम, ये सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल है, जितों रॉ मटीरियल आएगा, ये सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल कि रॉ मटीरियल का सोर्स है, एम वन, जिन्हों की मैं एम वन लिखा हुआ है। जिहड़ा ए पॉइंट आ, ए एम टू जिहड़ा कि किसनू रिप्रजेंट कर रहा है, सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल एम टू, इतों एम टू रॉ मटीरियल आएगा इस पॉइंट तो, ठीक है जी, क्लीयर, ओके डन। एक्स से वाई की डिस्कशन बाद होएगी, ठीक है जी। उस तो बाद यह सोडा प्रोडक्शन सेंटर है जी, ये सोडा कंजम्पशन सेंटर आ गया, ठीक है, जिथे फिनिश्ड गुड ने यूज होना है, ठीक है जी, क्लीयर ना, वेरी सिंपल लैंग्वेज, थे फिनिश्ड गुड्स यूज ने ना, कंजम्पशन सेंटर हुंदा, उस ही ले लिया आपां। रॉ मटीरियल इथों जाएगा प्रोडक्शन सेंटर ते, इत्थे प्रोसैसिंग होएगी, इथों चीज जाएगी कंजम्पशन सेंटर ते, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट तो एम वन जिहड़ा सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल है, उथों पी प्रोडक्शन सेंटर ते, ठीक है, जदों रॉ मटीरियल जाऊगा, ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, जिहड़ी वो डिस्टेंस है उन्होंने असी ए नाल डिनोट किया है, इतों लैके इतना जी डिस्टेंस है वो ए है, जिन्हों की फॉर एग्जाम्पल 10 माइल मान लो, इतने प्लीज एम तो मतलब माइल्स तो है, मील तो है, ठीक है जी, क्लीयर। उस तो बाद जिहड़ा साडा सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल एम टू है, उतों भी रॉ मटीरियल जाऊगा, उतों एम टू तो लैके प्रोडक्शन सेंटर तक जी दूरी है, जी डिस्टेंस है, दैट इज बी है, ठीक है, जिन्हों भी मैं 10 माइल्स अज्यूम कर लिया, ठीक है जी, क्लीयर। सो ए ते बी का पता चल गया, हुण प्रोडक्शन सेंटर तो सी दी जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, क्लीयर, वह कितनी है जी, वह हैगी आ सी, या मैं मतलब एग्जाम्पल तो 8 मीटर ले लूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुण सोडी कोशिश पता की होगी, तुसीं इस लोकेशन ट्रेंगल की हेल्प नाल करना की चाहुंदे, जिहड़ी सोडी आ पी का पॉइंट है ना, जिहड़ा ये पी का पॉइंट है, इनू इन सच अ वे तुसीं सैट करना हुंदा है, यानी कि तुहाडा प्रोडक्शन सेंटर है, तुसीं इनू इन सच अ वे सैट करना होगा कि तुहाडी जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह मिनीम होवे, ठीक है, और वह मिनीम जिनी होएगी उन्ना तुहाडी इंडस्ट्रियल लोकेशन बैटर होएगी। तो उहदे लई असीं इनू किवें कैलकुलेट करदे हां, तां प्लीज हुण इधरली साइड सारी डिस्कशन समझ लो एक बार। तो फ्रेंड्स तुहानू ए दा तां पता चल गया कि ए की है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है इन टन, सॉरी इन माइल्स, डिस्टेंस इन माइल्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर, सॉरी बिटवीन प्रोडक्शन सेंटर एंड द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल एम वन।
जिहड़ी बी है वो डिस्टेंस ठीक है इन माइल्स है बिटवीन प्रोडक्शन सेंटर एंड सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल एम टू ठीक है जी। तो जिहड़ी सी है वो डिस्टेंस बिटवीन है प्रोडक्शन सेंटर एंड द कंजम्पशन सेंटर और जी डिस्टेंस है वो असी इन माइल्स लै रहे हैं किलोमीटर नहीं लै रहे इन माइल्स लै रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सू ए का पता चल गया बी का भी पता चल गया सी का भी पता चल गया हूँ स्टूडेंट्स एक्स की चीज़ है देखो जो प्रोडक्शन सेंटर प्रोडक्शन करूँगा तो रॉ मटीरियल चाहिए तो वह रॉ मटीरियल वो एम वन एम टू तो मंगवा रहे हैं ठीक है जी एम वन तो भी लै रहे हैं एम टू तो भी लै रहे हैं ठीक है जी। मान लो एम वन तो जी क्वांटिटी लै रहे हैं वो एक्स है एक्स किनू रिप्रजेंट कर रही है क्वांटिटी ठीक है एक्स क्वांटिटी रिप्रजेंट कर रही है कि रॉ मटीरियल की क्वांटिटी एम वन की तो जी थोड़ी वाई है वह कि क्वांटिटी रिप्रजेंट कर रही है कि मात्रा रिप्रजेंट कर रही है एम टू रॉ मटीरियल तो जी फ्रेंड्स असी ये एक्स तो वाई जी क्वांटिटी लै रहे हैं इन टनस लै रहे हैं क्या लै रहे हैं इन टनस हूँ क्लीयरली सुन लो प्रोडक्शन सेंटर ठीक है जी क्लीयर तो प्लीज़ ये सारी गल ध्यान सुननी है प्रोडक्शन सेंटर रॉ मटीरियल मंगवाऊगा एम वन तो एम टू तो ठीक है जी क्लीयर ना टू प्रोड्यूस वन यूनिट असी प्लीज ये प्रोडक्शन की किन्ने की कर रहे हैं वन यूनिट की जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी टू प्रोड्यूस वन यूनिट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट वी रिक्वायर एक्स टन ऑफ एम वन मटीरियल एंड वाई टन ऑफ एम टू मटीरियल प्लीज ए है एक्स से वाई का मतलब यानी कि एक्स का मतलब की हो गया एक्स ठीक है एक्स क्वांटिटी है इतने लिखा हुआ है एक्स क्वांटिटी ऑफ एम वन रॉ मटीरियल इन टनस टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ क्या भी फिनिश्ड प्रोडक्ट ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्शन सेंटर की करूगा टनस के विच क्वांटिटीज नो यूज करूगा फिर इतने वन यूनिट प्रोड्यूस होगा और वो वन यूनिट प्रोड्यूस होकर कंजम्पशन सेंटर तक जाऊगा ठीक है जी क्लीयर ना। इस करके ये गल याद रखियो पी तो सी तक जो वेट ट्रांसफर हो रहा है वेट ट्रांसपोर्ट होगा वह वन यूनिट है क्योंकि इतने वन यूनिट की असं गल कर रहे हैं कि वन यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो वह फिर कंजम्पशन सेंटर में जाऊगा तो उस वन यूनिट में प्रोड्यूस करने वास्ते तो जो क्वांटिटी चाहिए रॉ मटीरियल की ठीक है वो एक्स एम वन तो चाहिए है वाई एम टू तो चाहिए है ठीक है। तो फ्रेंड्स ये करने तो बाद ना तुसी टोटल टन माइल्स कैलकुलेट करोगे टोटल टन माइल्स का की मतलब होंगे इनू ध्यान ना सुनो मैं सुनो एक एग्जाम्पल दिना सपोज करो बठिंडा तो रामपुरा की जी डिस्टेंस है जस्ट मान लो सपोज वो 30 माइल्स है जस्ट मैं सॉरी 20 माइल्स है किन्ने माइल्स है जी 20 माइल्स है ठीक है जी। तो असी उन्हों सपोज 20 माइल्स लै लिया ठीक है जी। उस तो बाद मान लो बठिंडा तो रामपुरा असी चीज़ किन्नी भेजनी है मान लो जी 10 टन भेजनी है ठीक है तो टन माइल्स पता किन्ने हो गए जिहड़ी थोड़ी डिस्टेंस है उन्हों तुसी वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड ना मल्टीप्लाई कर दो सो टन माइल्स आ जाएंगे यानी कि 20 × 10 200 टन माइल्स यानी कि बठिंडा तो रामपुरा जो वेट ट्रांसफर करना है ट्रांसपोर्ट करना है वो 200 टन माइल्स है ठीक है। तो इतने फ्रेंड्स 200 टन माइल्स आ गया ना जिहड़ा रेट होगा जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो टन माइल्स के हिसाब न आऊगी जिमें कि मान लो सपोज तुहानू एक टन माइल दे एक 200 टन माइल तुहाडे कोल आ गया सपोज ठीक है जी क्लीयर ना ओके 200 टन एक टन माइल का जो रेट आ वह सपोज 10 रुपए है ठीक तो टोटल सोडा खर्चा कि ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज 2000। इस करके इस इक्वेशन के सब तो पहले टोटल टन माइल कढ़ी टन माइल में किवें कढ़ रहे हैं आ देखो जी आ डिस्टेंस है आ जिहड़ा वेट असी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ठीक है आ भाई डिस्टेंस आ वेट ट्रांसफर हो रहा है ए इंटू एक्स की आ गई ए आ गया टन माइल्स जेडे कि एम वन तो पी तक ट्रांसपोर्ट होगी बी वाई की चीज होगी बी वाई का मतलब हो गया टन माइल्स यानी कि जी डिस्टेंस है असी जी क्वांटिटी भेज रहे हैं उन्होंने मल्टीप्लाई करता कल टन माइल्स आ रहे हैं सी कला ही है क्योंकि रीजन की है यदा वेट किन्ना यदि कली डिस्टेंस आऊगी वेट तो वन यूनिट ही है ना क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर वन यूनिट तैयार करके इतने भेज रहे हैं कंजम्पशन सेंटर ठीक है। इस करके सी
ਤੈਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟਨ ਮਾਈਲ ਆ ਜੂਗੀ ਫਰੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਟੋਟਲ ਟਨ ਮਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 10 ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਮਾਈਲਸ ਤੇ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਟਨਸ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਇਨਟੂ 8 ਇੱਥੇ 80 ਆ ਜੂਗਾ ਐਂ ਬੀ ਇਨਟੂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਐਂ ਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 1 ਇਨਟੂ 8 ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਟੋਟਲ ਟਨ ਮਾਈਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਨ ਮਾਈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਇਹ ਮਨੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟਨ ਮਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟਨ ਮਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟਨ ਮਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ T1 T2 ਤੇ T3 ਵਾਟ ਇਜ਼ T1 T1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ T1 ਇਜ਼ ਪਰ ਟਨ ਮਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੋਮ N1 ਟੂ P ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਏ ਐਕਸ ਟਨ ਮਾਈਲ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ M1 ਟੂ P ਐਂ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ M2 ਤੋਂ P ਟਨ ਮਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ BY ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ T2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ T2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਂ ਜਿਹੜੀ C ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀ T3 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨੂੰ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਓਕੇ ਡਨ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਓਕੇ ਡਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਬਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਰੋਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਬਰ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਟ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਓਵਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.8 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੀ ਵਨ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੀ ਵਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਲ ਵਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਆ ਜਿਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲ ਵਨ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋ ਡਿਪੇਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਰਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟੋਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਹ ਰਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ 4 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗਸ ਆ ਇਹ ਆਈਸੋ ਡਿਪੇਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਓਕੇ ਡਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਲੇਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੀ ਵਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਰਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੀ, 4 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਸਤੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਸਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ, ਸੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਸਟ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੀ ਵਨ ਤੋਂ ਐਲ ਵਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ ਵਨ ਸਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਵਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਆ, ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਸਟ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ 50 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਵਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
कॉस्ट है वो TD2 प्लस W2H नाल रिप्रेजेंट कीती हुई है। ते मान लो सपोज जे तुसी L1 ते जाओगे अल्टीमेटली सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़नी है तो प्लीज मैं क्योंकि टोटल ले रहे इस करके मैं बता देना है। मान लो मैं बता के कितनी करती जी सपोज मैं 30 करती बताती ते असी L1 ते क्यों जाना चाहते क्योंकि असी सोचा कि उत्थे लेबर सस्ती है जिस करके जिहड़ी लेबर कॉस्ट है वो घटूगी ठीक है। तो मान लो जी घट गई ये बढ़ गई ना ये घट गई ये घट के 10 रह गई सिर्फ 10 रुपीज रह गई ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई 40 ना यानी कि तुहानू लेबर नाल इन्नी बचत होगी L1 ते जान करके कि सोडी जिहड़ी वधी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सी वो भी ठीक है जी क्लीयर है नलीफाई होगी उसका इंपैक्ट भी नहीं रहा ठीक है। यानी कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट जी घट रही है जे इस तरह हो रहा भी फ्रेंड्स यानी कि कहने तो मतलब यार भी जिनी सोडी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है इस साइड से जान करके वो तो ज्यादा सोडी लेबर कॉस्ट बच रही है तो अल्टीमेटली तुम इतने शिफ्ट करोगे ठीक है। तो उ फ्रेंड्स मैं तुम दिखाया एग्जाम्पल लैके ठीक है जी क्लीयर ना। तो जे उल्ट हो मान लो सपोज ठीक है एवें हो जाए ठीक है जी क्लीयर कि आ कॉस्ट 50 इतने जाने 80 हो फिर तुम नहीं जाओगे फिर तुम P1 पर ही रहोगे ठीक है। तो हम फ्रेंड्स इनू असी टैक्निकली ए लिखता कहते चीप लेबर साइड जिन्हों की असी मनिया हो L1 चीप लेबर साइड जेकर इतने तुहाडी टोटल कॉस्ट चीप लेबर साइड L1 विल बी चूजन इफ ठीक है जी इतने कॉस्ट है ना इतने कॉस्ट वो आ वाली है TD2 प्लस W2H जी इतने हैगी है वह हैगी है TD1 प्लस W1H। तो उसे मैं लिखा हुआ भी जे आ वाली एट L1 वाली एट P1 वाले नालों घट है तो थोड़ी जी लेबर कॉस्ट की जी सेविंग खिंच के ले जाएगी प्रोडक्शन साइड P1 तो L1 अदरवाइज नहीं पड़ेगी। सो इन दिस वे फ्रेंड जी ये डायग्राम से सिर्फ असी जी लेबर कॉस्ट होने वाली चेंज है वह अफेक्ट दिखाया कि सोडी जी इंडस्ट्रियल लोकेशन से फर्क पै सकता है। तो होप सो सू समझ आया होगा। हम फ्रेंड्स अपनी डिस्कशन पहुंच गई जेडे लास्ट थर्ड स्टेज इस थ्यूरी की एगलोमरेशन ते डेगलोमरेशन दे उपर आपां डिस्कशन करांगे यानी कि एगलोमरेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंदे ने जिहड़े कि पुल करदे इंडस्ट्री नूं अपने वल खिंचदे आ ओके। तो जिन्हां दी वजह करके एक जगह ते इंडस्ट्री कंसंट्रेट होंदी आ और किहड़े-किहड़े फैक्टर्स होंदे जिन्हां दी जगह करके एक जगह ते प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है जिवें कि फॉर एग्जाम्पल लो ओवरहेड कॉस्ट हो सकता है कि उत्थे जिहड़ी कॉस्ट होए जिहड़ी सानूं कॉस्ट पैंदी है फिक्स्ड कॉस्ट पैंदी उह घट पए ठीक है जिहड़ी उस तो बाद हो सकता है कि उत्थे रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट फैसिलिटीज होण यानी कि उत्थे अगर तुहानूं कोई चीज़ चाहिए रिपेयर वास्ते कोई मतलब कोई समान चाहिए वह अवेलेबल हो सकता है कि उत्थे जिहड़ी स्किल्ड लेबर है वह अवेलेबल होए इस वजह करके भी जिहड़ी इंडस्ट्री है उस जगह पर खिंची चली आएगी ठीक है। या हो सकता है कि उत्थे रॉ मटीरियल नूं प्रक्योर करन दी मार्केट होए ठीक है जी क्लीयर ना ओके जिहड़े तुसीं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करन दी मार्केट होए हो सकता कि उत्थे बैटर बैंकिंग फैसिलिटीज होण यानी कि कुल मिला के आपां इह कह सकदे कि हो सकता है अगर उत्थे जिहड़ा बैटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा कि सोडी इंडस्ट्री नूं चाहिदा अगर उत्थे अवेलेबल है तां इंडस्ट्री उत्थे खिंची चली आएगी क्लीयर भी। सो मीनस बाकी जिहड़ा हैगा ठीक है जी आज अपनी डिस्कशन जिहड़ी हैगी है पुल फैक्टर्स दे उपर जिहड़ी हुई वह इन्नी की हैगी है। तो एग्लोमरेटिव फैक्टर्स मतलब तुसीं सिंपल लैंग्वेज समझ लो वो सारे फैक्टर्स जिहड़े कि किसी इंडस्ट्री नूं इनवाइट करदे आ ठीक है चाहे वह सस्ती लेबर होवे चाहे उत्थे बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच पाया जाने वाला रॉ मटीरियल जो कि तुहानूं चाहिए है या बैंकिंग इंश्योरेंस सारियां फैसिलिटीज जिन्ना दी लोड हुंदी है इंडस्ट्री नूं जिथे होणगियां जिथे फैसिलिटीज मिलनगियां इंडस्ट्रीज नूं वह सारे फैक्टर जिहड़े कि फैसिलिटीज नूं रिप्रजेंट करते हैं वह इंडस्ट्री नूं खिंचणगे अपने वल ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला जिहड़ा है डैगलोमरेटिव फैक्टर्स आ ये फैक्टर्स पुश करते पुश मतलब कि इंडस्ट्री नूं दूर पजाउंदे ने
ठीक है, कंसंट्रेट नहीं होने देंगे, ठीक है जी, क्लियर ना। ये डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स सिंपल जी गल है, अगर एक जगह पे इंडस्ट्री इकट्ठी होगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एहो जे कारण बन जाएंगे जिन्हां दी वजह नाल उत्थे जिहड़ी जिहड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिहड़ी लैंड है, ठीक है, जिहड़ी बिल्डिंग्स हैगियां ने, वर्कर्स आ, उन्हां दे जिहड़े रिवॉर्ड ने, जिहड़े उन्हां नूं तुसीं प्राइस पे करना, इन्ने ज़्यादा इनक्रीज कर जाएंगे कि इंडस्ट्री वो अफोर्ड नहीं कर पाऊगी, ठीक है। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज, कॉस्ट ऑफ लैंड, रेंट, वेजेस, टैक्सेस, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें इन्नी ज़्यादा वध जाणगियां कि तुहाडी इंडस्ट्री लई बेनीफिशियल नहीं होणगियां ते तुहानूं उत्थों मूव करन लई मोटीवेट करनगियां, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। उस तो बाद so Weber noted that as agglomeration began to increase competition for land at given setting, escalating rent prices start to overcome the locational advantage of that place. यानी कि कहने तो मतलब एक जगह पे इंडस्ट्री कंसंट्रेट होंदी रहेगी, होंदी रहेगी, होंदी रहेगी, एक पॉइंट पे जाके जेडी उस जगह पे सुनो एडवांटेज मिल रही सी ना, वो एडवांटेज खत्म हो जाऊगी। वो क्यों खत्म हो जाऊ? क्योंकि उस जगह पे जेडे प्राइसेस आ, लैंड है इन्नी महंगी हो जाऊगी, जेडे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने जेडे प्राइसेस आ इन्ने राइज कर जाएंगे कि तुहानू जेडे वो बेनीफिट्स मिलने की उम्मीद सी वो नहीं होगी, तो इंडस्ट्री उस जगह तो डिसलोकेट होनी शुरू हो जाऊगी, कितने होर जानी शुरू हो जाऊगी, ठीक है जी, क्लीयर ना। सो क्लीयर हो गया फ्रेंड्स, तो एक सिंपल डिस्कशन असी डिस्कस की है डेवलोपमेंट फैक्टर्स के उपर, ठीक। तो हम जेड़ा इस थ्यूरी का कुछ वीक पॉइंट्स जेडे है उन्होंने आप डिस्कशन करा। तो फ्रेंड्स मेन जड़िया क्रिटिसिजम है और वो ये है कि जी थ्यूरी हैगी है ये क्योंकि द फस्ट थ्यूरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की जो कि एक जनरल थ्यूरी है, तो यह किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे तुहानू स्टडी नहीं करवाती और इहदियां कुछ अजम्पशंस ने जिहड़ियां कि मतलब अनरियलिस्टिक ने, उन्होंने की वजह करके ये थ्यूरी जी है असी मतलब के बहुत ही ज़्यादा वो नहीं मानते कि लाइक पट्टी ये कोई एप्लीकेशन जी हैगी एज सच जो अज का टाइम है उस आप ठीक है एज अ प्योर थ्यूरी एज अ बेस इन आप लै सकते हैं, अदरवाइज यदि इन्नी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जिहड़ियां ने अजम्पशन अज्यूम कीतियां ने वो अजम्पशंस बहुत ही ज़्यादा ठीक है मतलब प्रैक्टिकल नहीं हैगियां वो अजम्पशंस, ठीक है जी, ओके। जिवें कि ये मान लेना कि कंजम्पशन फैक्टर जिहड़े हैगे पॉइंट्स हैगे फिक्स ने वो नहीं होंदे फिक्स, ये मान लेना कि अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर है ये भी नहीं होंदा, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर नहीं होंदी, ठीक है जी, क्लीयर। और अजम्पशन ये ने थ्यूरी दियाँ, इस थ्यूरी ने मनिया हुआ है, ठीक है जी, क्लीयर, कि लोकेशन ऑफ रॉ मटीरियल जी फिक्स है, सिचुएशन एंड साइज ऑफ कंजम्पशन सेंटर जेडे गिवन है, जो कि मैं पिछे दस चुके हैं कि जिहड़ियां भी ये अजम्पशंस ने जो अज्यूम की गई ने इररेलेवेंट ने, ठीक। सो दैट्स वाई यदा वो बन गया, ठीक है, वीक पॉइंट बन गया क्योंकि अज के टाइम से सब चीज़ा जड़िया ने फिक्स नहीं होंदिया, ठीक है। बाकी देखो जी अजक पोलिटिकल जो है इंटरफेरेंस है या मतलब सरकार बेनीफिट्स दे के टैक्स वगैरह सबसिडीज दे के जो एक रोल अदा कर दिया ने, जिस करके इंडस्ट्री की जी लोकेशन है वो मतलब चाहे ना चाहते हुए भी फेवरेबल बना दी जाती है, ठीक है जी, क्लीयर, गवर्नमेंट के रोल करके। तो वो चीज़ के उपर इस थ्यूरी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ठीक है जी। बाकी इस थ्यूरी से मनिया गया कि परफेक्ट कॉम्पीटिशन, सो परफेक्ट कॉम्पीटिशन जोड़ा है, क्लीयर ना, एक अपने आप एक चैलेंज वाला कंसैप्ट है, चैलेंजिंग कंसैप्ट है, मतलब क्या परफेक्ट कॉम्पीटिशन प्रवेल ही नहीं करता। अजकल मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन है, ओलिगोपोली, इस तरह दी मार्केट दी फॉर्म्स देखते हैं। सो टैक्सेशन, इंटरस्ट, इंश्योरेंस नूं इन्होंने फोकस नहीं किया इस थ्यूरी ने, ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के उपर फोकस किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने इन्हों के उपर, ठीक है जी, क्लीयर, फोकस करना चाहिए सीगा, ठीक। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये अजम्पशन सीगियां ते नाल दी नाल ही मैं तुहानूं दस्सिया कि अजम्पशन रियलिस्टिक नहीं हैगियां, ठीक है। सो ये थ्यूरी ओवर है जी, तो होप सो तुसीं अपनी बाकी अंडरस्टैंडिंग लो, बुक्स नूं रीड करो, ठीक है, क्योंकि
वीडियो लैक्चर के सब कुछ पॉसीबल नहीं होंगे, काफ़ी लेंथी चला जाता लैक्चर, इस करके मैं इन नटशेल डिस्कशन करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू वेरी।